Welcome to math classes. We should talk about the patterns in the whole number. हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज की patterns in whole number. Whole number के क्या क्या pattern हो सकते हैं. Now, the basic pattern in whole number begins with the shape. Shape के आधार पर change होता है and bed of dots, the pattern or arrangement can be in the form of a line. आप जो पैटर्न मैं दिखाने जा रहा हूँ वो एक लाइन के रूप में हो सकता है, ट्रायंगल के फॉर्म में हो सकता है, स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है या रेक्टेंगल के. नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है आप देखते हैं. एवरी होल नंबर कैन बी अरेंज्ड ए लाइन एक्सेप्ट नंबर वन. एक नंबर को छोड़ के बाद बाकी सबको आप दिखा सकते हैं. एक लाइन पर दो दिखाना है तो दो डॉट आप इस तरह से दिखा सकते हैं. वन और टू, थ्री दिखाना है वन टू थ्री, ये लाइन पर दिखा रहे हैं एंड सो ऑन. इस तरह से चार को दिखाना था तो आप लिख सकते हैं एक दो तीन चार. क्लियर. नाउ सम नंबर्स कैन बी अरेंज्ड एज स्क्वायर्स. अब कुछ नंबर्स वो स्क्वायर के फॉर्मेट से जा सकते हैं. कैसे फोर नाइन सिक्सटीन इनको सजाया जा सकता है. कैसे फोर को सजाने के लिए रेक्टेंगल का वो स्क्वायर का मैंने लिया, ये चार पॉइंट फोर, इस फोर के नंबर को दिखा रहा है वो नंबर को और इसको इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं. नौ दिखाना है, आपने स्क्वायर बनाया, लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होंगे, तीन तीन छह और नौ को दिखा सकते हैं. नेक्स्ट नंबर आप सिक्सटीन को दिखा सकते हैं. क्या करना होगा आपको, इस तरह से पैटर्न बना लो, एक दो तीन चार, ये हो गया चार, और इधर से भी चार ले लो, एक दो तीन चार, ये हो गया एक दो तीन चार पांच सिक्स सेवन एट नाइन स्टार्ट ना. सो अब आपने चार लाइन ऐसे खींचे और चार लाइन तो 16 होगा. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन शुड बी हियर. वन टू थ्री फोर लाइन ऐसे और फोर लाइन ऐसे आपको अरेंज करने, ये स्क्वायर दिखा रहा है. अब आप इसको आप इस तरह से आप अरेंजमेंट दिखा सकते हैं इसको, बहुत सिंपल. क्लियर. इस तरह से बहुत सारी जो स्क्वायर नंबर है उनको आप दिखा सकते हैं. स्क्वायर नंबर मतलब टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन. इसके बाद अगर देखना होगा तो किसका देखेंगे, ट्वेंटी फाइव का देखेंगे, 36 का दिखाएंगे स्क्वायर पर बनाकर. इस तरह से बहुत सारी संख्याओं को देखा जा सकता है. नाउ द थर्ड पैटर्न शुड बी सम नंबर कैन बी अरेंज्ड एज रेक्टेंगल्स. दीज नंबर्स आर सच एज 6 8 10 12. इन संख्याओं को रेक्टेंगल के फॉर्म पर सजाया जा सकता है. द होल नंबर 6 8, अगर इसको देखें हमने यहां लिखा था 6 8 10 12. So, 6 को अरेंज करने के लिए 1, 2, 3, 3, 3, 6 और इसको मैंने रेक्टेंगल बनाया. दो ऐसे लिया और तीन हॉरिजेंटल लिया. इसमें क्या देख रहे थे, तीन वर्टिकल लिया और दो हॉरिजेंटल लिया. सो यह केस तैयार हुआ 3 इंटू 2 का और या 2 इंटू 3 का. 8 अरेंज करने थे 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8. सो अगर इसको ऐसे देख रहे थे तो ये हो गया कितना, ऐसे बन रहा था 4 और ऐसे बन रहा था 2, तो 2 इंटू 4 का था ये केस और ये था क्या 4 इंटू 2 का केस था. क्लियर. सम नंबर कैन बी अरेंज एज ट्राइंगल. अब कुछ नंबर्स को ट्राइंगल के फॉर्म पर भी अरेंज किया जा सकता है. दीज नंबर्स आर 3 6 10 15 एटसेट्रा. सच नंबर आर कॉल्ड द ट्रायंगुलर नंबर. इसको ट्रायंगुलर नंबर कहेंगे. 3 को अरेंज करना है 1 2 3 ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज करें. 6 को ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज करना था, ये पैटर्न हुआ 1 2 3 4 5 एंड 6. नाउ 10 को अरेंज करना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. आप इससे आगे की भी संख्याओं को 15 को भी अरेंज कर सकते हैं और आप करेंगे भी अपनी कॉपी पे. नाउ ऑब्जर्विंग द नेक्स्ट पैटर्न दैट इज द मैथमेटिकल ऑपरेटिंग ऑपरेशन कैन बी सिंप्लीफाइड बाय द ऑब्जर्विंग पैटर्न. फर्स्ट पैटर्न दिखा रहा हूं, टू मल्टीप्लाई द नंबर्स ऑफ द फॉर्म 9, 99, 999, 9999,
ऐसी संख्या हूं तो और किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 35 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, सो यू शुड राइट देयर एंड 9 को लिखा जा सकता है 10-1। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये बाहर लिखा गया नंबर है, ये कौन सा नंबर, इसको कैसा नंबर कहते हैं, कॉमन फैक्टर। सो 35 शुड बी मल्टीप्लाई बाई 10, 350, 35 × 1, 35, माइनस कर लो निकल जाएगा। 999 में अगर 35 का मल्टीप्लाई करना है तो 35 को बाहर रखेंगे और इसको लिखेंगे, 1000 में से एक घटाएंगे तो क्या होगा, 999। अब इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, इसके साथ करेंगे तो 30 इसके अटैच हो जाएगा और 35 बन जाएगा, 35 सब्सट्रैक्ट करेंगे 34965। इस तरह से आप इसका पैटर्न ऑब्जर्व करके अरेंजमेंट को, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। लेके चलिए नाउ द पैटर्न टू, लुक एट द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट टू स्टेप, इसके बाद आप खुद से लिखेंगे। अब यहां देखिए, मैंने एक मल्टीप्लाई किया 9 × 1 + 1, क्या लिखा 10, अब 1 की जगह यहां 12 हो गया, ठीक है, फिर 9 से ही मल्टीप्लाई और जस्ट इसके बाद का नंबर है 2, आप मल्टीप्लाई करो और जोड़ के देखो आपको मिलेगा 103, 2 के बाद क्या ऐड हो गया 3, तो यहां भी क्या हो गया 3, मल्टीप्लाई किया 9 से और इसका वैल्यू होगा इतना, अब 3 के बाद क्या आ गया 4, तो यहां भी क्या होगा 4, सबके साथ 9 का ही मल्टीप्लाई होगा, फिर अगला स्टेप जो बनेगा 4 के बाद 5 और फिर 9 से मल्टीप्लाई करो 4 के बाद 5 और 5 1 लिखो और उसके बाद 0 बैठा दो, सिंपल। इसके बाद 6 लिखना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 × 9 + 6 और 6 1 डालकर उसके पीछे 0 बैठा दो। वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट पैटर्न टू मल्टीप्लाई और राइट द नंबर्स लाइक दैट द पैटर्न्स 3 द राइट द नेक्स्ट टू स्टेप्स। अब 1 × 1 लिखा हुआ 1, 11 × 1 के साथ लिखा हुआ है तो 1 × 1 होगा, क्लियर, पहले लिखेंगे 1, 2, 2 1 लिए थे तो 1 × 1, एक बार बढ़ते क्रम में लिखेंगे, 3 है तो 1, 2, 3, अब फिर उसके बाद उसको उसके मिनिमम वैल्यू पर जाएंगे 3, 2, 1। नाउ 4 लिखे हैं तो 1, 2, 3, 4 तक जाएंगे और फिर घटने लगेंगे 3, 2 और 1। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न होगा तो 5, 1 लिखेंगे, 5, 1 से इसका मल्टीप्लाई होगा 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद होगा 4, 3, 2, 1, यह एक पैटर्न है। नाउ द पैटर्न 4th इज द राइट द नेक्स्ट टू स्टेप्स। अब इसके बाद के दो स्टेप्स आपको लिखने हैं, 1 + 3 को लिख सकते हैं क्या होगा 4, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2, ये 3 कैसे लिखे गए ऑड नंबर है 1, 3, 5, इनको ऐड करेंगे 3 है तो 3 बार इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आएगा, 1, 3, 5, 7 है, 4 है तो 4 से 4 को मल्टीप्लाई करो, जोड़ के देखोगे कितना मिलेगा 16, अगली संख्या जो बनेगी 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये 5 अंक लिए गए थे, 5 × 5 दैट शुड बी 25। इस तरह से बहुत सारे पैटर्न लिखे जा सकते हैं। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट, थैंक यू वेरी मच।